आगामी 27 दिसंबर को हिमाचल की भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरा करने जा रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सिपहसालारों ने मोर्चा संभालने शुरू कर दिया है। अब सरकार के ये सिपहसालार प्रदेश भर में घूम घूम कर जनता को अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान करेंगे। दरअसल सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव देख चुकी है और इसी बीच जन आवाज रैलियां समेत इन्वेस्टर मीट तक कर चुकी है, ताकि हिमाचल को शिखर की ओर ले जाया जा सके। बावजूद इसके यही सरकार कोरोना जैसी महामारी के दौर से भी 2-4 हो रही है। ऐसे में सरकार के सामने भविष्य में मिशन 2022 के चुनाव का भी टारगेट है। अब कैसे मिशन 2022 रिपीट किया जाए, इसके लिए भी योजना बनाई जा रही है। सरकार के 3 साल के कार्यकाल के दौरान तमाम उतार चढ़ाव को जनता के समक्ष रखने का फैसला भी सरकार की इसी योजना का हिस्सा है, ताकि मिशन 2022 के तहत जनता तक सरकार की हर उपलब्धियां पहुंचाई जा सके। जयराम सरकार के मंत्री राकेश पठानिया ने इसी योजना के मद्देनजर धर्मशाला से मोर्चा संभाल लिया है और उनके मुताबिक 27 दिसंबर तक जनता तक सरकार अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने की रणनीति बना रही है। इसके लिए बकायदा हर मंत्री हर जगह से प्रेस वार्ताएं करवाएंगे। मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 स्वर्णिम वर्ष जो आज 27 तारीख को पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेकर मैंने एक पूरी सूची उपलब्धियों की और जो सरकार ने जिस तरीके से काम किया है उनको आज टेबल किया है। और ये एक अभियान हम पूरे प्रदेश में शुरू कर रहे हैं, जिसमें मंत्री जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचाएंगे। मुझे धर्मशाला का ये दायित्व दिया गया क्योंकि मैं मूल रूप से धर्मशाला जिले से हूँ, तो इसलिए मुझे आज यहाँ पे आगे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और सरकार की जो उपलब्धि है उनको पब्लिक तक पहुँच सके उसके बारे में ये हमने कैंपेन शुरू की है। ऐसा कुछ नहीं है जी, इनफैक्ट जितने लोग मेरे नाराज़ हो गए वो किसी के नाराज़ नहीं होंगे। जो हमारे लगभग सारी पंचायतें जो हमारी थी, जो अच्छी काम कर रही थी, सारी की सारी जो है रोस्टर के तहत आ गई। हमने कहीं इंटरफेयर नहीं किया, 1% भी आप रोस्टर को चेंज नहीं कर सकते जी। ये बिल्कुल टेक्निकली हमारे पास तो रोस्टर लोगों ने तो कैलकुलेट करके 15 दिन पहले काम शुरू कर दिया था। ये तो बिल्कुल कांग्रेस के पास तो अब आरोप के नेत्रहीन कांग्रेस है, दिशाहीन कांग्रेस है, मुद्दाहीन कांग्रेस है, तो वो तो बोलेंगे ही, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। इसलिए रोस्टर में कहीं पे कोई भी जो है टैम्परिंग नहीं हुई है। और पंचायत इलेक्शन की जहां तक बात है, वो एक आम इलेक्शन होता है, वो भाजपा कांग्रेस का चुनाव नहीं होता। हमारे ही 5-5, 6-6 प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस के 4-5 खड़े होते हैं। ये पब्लिक का एक छोटा मुद्दा है जिसमें पब्लिक ही अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव गांव का उसको सिलेक्ट करती है। ज़िला परिषद में हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक कैंडिडेट दें, वहाँ पे अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्टी स्तर पर उसको कोऑर्डिनेट करें। उसी की जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने भी दी है कि मैं कांगड़ा चंबा के अंदर जो है इसको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि समितियों में भी कैंडिडेट बहुत आ रहे हैं और पंचायतों में तो बेसहाबे पंचायत आ रहे हैं, वार्ड मेंबरों में तक भी जो है आम सहमति बहुत कम बन रही है। इसलिए इसमें हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। जिला परिषद में हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि भाजपा के प्रत्याशी जो है वो कन्फर्म करके हम उनकी सूची 3-4 दिन में जारी कर देंगे।